ईरान किसी वक्त भी इजराइल पर दाग सकता है मिसाइल, अस ने बेंजामिन नेतन्याहू को बताया। इजराइल में मंगलवार सुबह अचानक सेंट्रल क्षेत्र में सायरन बजने लगे। लोगों को अपन घर के पास बने बनकर में जाकर छुपने की सलाह दी गई। सेना की तरफ से कहा गया कि किसी भी वक्त लेबनन की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा सकती है। अपने चीफ हसन नसुल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठा है। भले ही लेबनन में इजराइल की आर्मी आसमान से बम के गोले बरसा रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान समर्थित इस संगठन ने सोमवार को बेंजामिन नेतन्याहू की सेना को करारा जवाब दिया। मंगलवार सुबह सेंट्रल इजराइल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट की मदद से हवाई हमले किए। इजराइल में सायरन बजने लगे। लोगों में घबराहट पैदा हो गई। वो सुरक्षित स्थानों पर जाकर बंकर में छुप गए। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजराइल ने सभी रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल को लगा होगा नसुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह पस्त हो चुका, लेकिन इसके उलट हिजबुल्लाह ने सोमवार को पहले इजराइल के सबसे उत्तरी गांव मेटुआ को निशाना बनाया। मेटुआ गांव इजराइल और लेबनन की सीमा पर स्थित है। बता दें कि यह इजराइल के उन इलाकों में से एक है जिसे पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद खाली करवा लिया गया था। यहाँ रहने वाले लोगों को दक्षिणी इजराइल में शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल की तरफ से भी लेबनन की राजधानी बेरूत में मंगलवार को ताजा हमले किए गए। इस बार हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट को निशाना गया गया। जिस जगह हमले किए गए वहां हिजबुल्लाह के हथियार का जखीरा रखा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह पर भी इजराइल डिफेंस फोर्स एक्शन ले रही है। अब लेबनन की धरती पर इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि राजधानी बेरूत सहित पूरे देश का कहीं गाजा जैसा हश्र ना हो जाए। IDF प्रवक्ता रिया एडमिरल डेनियल हेगरी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ने इजराइल को जानकारी दी है कि ईरान देश पर मिसाइल दागने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि अभी तक ईरान की ओर से इजराइल पर कोई हवाई हमला नहीं किया गया है। उन्होंने लोगों से होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस का पालन जारी रखने को कहा है। इजराइल रक्षा बलों IDF ने मंगलवार तड़के कहा कि उसने कई घंटे पहले दक्षिण लेबनन में लक्षित और सीमित घुसपैठ की थी, जिसमें सीमा पर कई लेबनानी गांवों में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था, जो ब्लू लाइन विभाजन रेखा के दूसरी तरफ स्थित इजरायली शहरों के लिए खतरा है।